बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन क्रीमी लज़ानिया। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। अच्छा, सबसे पहले ना हम चिकन की लज़ानिया की फिलिंग बनाते हैं। इसके लिए मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लूँगा। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया ऑयल। अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ये मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सौते करेंगे हम तब। ये एक कप प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको इतना भुनेंगे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज सौती हो गई है। तकरीबन ये 1/2 किलो कीमा है चिकन का, इसको मैं इतना भुनूंगा इसका कलर चेंज हो जाए। इतना सौते करने से कलर चेंज हो जाए। और चिकन तो वैसे ही जल्दी पक जाता है, आपको पता है। अच्छा देखिए, सूखा मिर्च पाउडर डालूंगा 1 टीस्पून, या आपके टेस्ट पर है जितना आप पसंद करना चाहें। सॉल्ट जाएगा, ये भी आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। अच्छा, टमाटर की प्यूरी है तकरीबन 1 कप जाएगी। अच्छा बल्कि सॉरी, प्यूरी नहीं है, टमाटर का पेस्ट चाहिए, ये तकरीबन 1 कप जाएगी। अच्छा देखिए, इसको तेज आंच पे मैं इसलिए पका रहा हूँ ताकि इसका पानी सोख हो जाए। और चिकन तो तकरीबन पक ही गया हमारा, तो इसके पानी इसको खुश करेंगे और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप टमाटर कैसे डालूंगा। ये मैंने 1 कप टमाटो का पेस्ट डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें चीली टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटो का केचप डाला। सही, ज़बरदस्त मसाला। देखें ये चिकन, ये क्या लज़ानिया की फिलिंग रेडी है। इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको थोड़ा आपको थोड़ा सा थीकी रखना है, ठीक है। अब चलते हैं वाइट सॉस बनाने की तरफ। अच्छा देखिए, ये मैंने अनसॉल्टेड बटर 2 टेबल स्पून लिया है। जैसे हम बटर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, इसलिए ऐड करूंगा ताकि बटर दे देना, थोड़ा सा ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं 2 टेबल स्पून मैदा डालूंगा। मैदे को कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। अब मैंने आज को एकदम स्लो रखा हुआ है, ठीक है जी। इसको तकरीबन इतना चलाएंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप डालेंगे। अच्छा देखिए, दूध 1 कप है फिलहाल, मैं थोड़ा थोड़ा डाल लूँ उसमें। इतना डाल लूँ कि मैं 1/2 कप छोड़ दूंगा उसमें। और इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि लम्स ना पड़ जाए, ठीक है। अगर मुझे मैदा कम लगा तो मैं और डाल दूंगा। अच्छा देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतना ठीक हो गया, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। अब इसकी सीजनिंग में जाएगा सॉल्ट और वाइट पेपर। सॉल्ट डालूंगा मैं बिल्कुल, थोड़ा सा डाला है, आप 1 से 2 पिंच डाला है। और ये सीजनिंग डाली मैंने वाइट पेपर। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से देखिए हमारा ये सॉस, वाइट सॉस रेडी है। ये देखिए सॉस ठंडा हो गया है क्योंकि चीजी क्रीमी पास्ता है। तो इसमें लास्ट में मैं 1 कप कोई भी पैक किया आप क्रीम ऐड कर देगा। मेरे पास तो ये ऑलपर वालों की थी तो मैंने, लेकिन इसको चूल्हा बंद करके ठंडा करने के बाद डालिएगा वरना क्रीम फट जाएगी। ये देखिए जबरदस्त क्या टेक्चर आया है।
धनिया की पट्टी है, इनको मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। जब बॉईल किया था थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के तकरीबन 5 मिनट बॉईल किया था, फिर इसको मैंने ड्रेन करके ठंडे पानी से धो के इस बॉइलिंग कर दी थी ताकि चिपके नहीं। अब इसके हम सैम्पलिंग करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले ना ये व्हाइट सॉस जो बनाया है इस पर हम रखेंगे। सबसे पहले ये व्हाइट सॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो पट्टियाँ इस पर बिछाऊंगा ताकि वो जले ना। अच्छा देखिए, पट्टियों को मैंने इस तरह लगाया अगर क्योंकि बिल्कुल मैं इन्हें इक्वल साइज रखा है। अगर आगे थोड़ा बड़ी हुई उनको आप कट करके जो बच जाए इसे ज़ाहिर करने की जरूरत नहीं। इसको मैंने ऊपर इस तरह प्रेस कर दी है। अब इस पर मैं जो मैंने चिकन की फिलिंग बनाई वो रखूँगा। तकरीबन ये देखिए दो तो बन जाएंगी फिलिंग, दो लेयर तो बनी जाएंगी। ज़बरदस्त। देखिए इस पर दोबारा व्हाइट सॉस लगाएंगे। अब देखिए इसके हम सेकंड लेयर लगा रहे हैं। ये देखिए मेरी सेकंड लेयर बन रही है। अच्छा देखिए इस तरफ भी तकरीबन दो लेयर बना ली है। अब मैं इसमें पिज्ज़ा चीज़ डाल रहा हूँ। अगर आप पिज्ज़ा चीज़ ना डालना चाहें तो चेदर मटेरियल भी डाल सकते हैं। इस पर मैं तुम्हारी शेरेट कर दूँगा, अच्छी तरह फैला दूँगा मैं। अच्छा देखिए ये मैंने शिमला मिर्च थी, इनको मैंने जूलियन कट कर बिल्कुल काट लिया था बारीक बारीक। अभी ऊपर से इनको जो मैंने चीज़ लगाया ऊपर गार्निशिंग करूँगा। मैं ज़रा ज़्यादा शिमला मिर्च लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे घर वालों को पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप कम डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा इससे। और इसे तकरीबन ओवन में मैंने प्रीट होने के लिए रख दिया था। 15 से 20 मिनट तक मैं इसको बेक करूंगा। अच्छा लास्ट में इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगा, वो भी आपकी चॉइस पर होते हैं, अगर आपको डालना चाहें तो डालें। अच्छा देखिए चिली फ्लेक्स में थोड़े से डाल लूँ सिर्फ, ठीक है। हाँ देखिए अब इसको हम बेक करते हैं 15 से 20 मिनट, फिर इंशाल्लाह बेक करके मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमारा चिकन क्रीमी लज़ानिया रेडी है क्या। अभी मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। देखिए ज़बरदस्त क्या बेक हुआ है। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन चीज़ी लज़ानिया रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फिर मानी ला।